दोस्तों, आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं कि गूगल क्रोम में नो इंटरनेट एरर आ जाती है, दिस साइट कांट बी रीच्ड, या फिर नो इंटरनेट एक्सेस। इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, काफ़ी बार सिस्टम में आती है। क्यों आती है, इसका रीज़न क्या है और इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, देखते रहिए इसी वीडियो को। और वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार दोस्तों, प्रवीण ढांडा, आप देख रहे हैं 1 मिनट सॉल्यूशन। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका नेट कनेक्ट है, और कोई भी जैसे आइकन पे येलो आइकन आ जाता है, इंटरनेट वाले आइकन पे, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, बिल्कुल नेट प्रॉपरली चल रहा है। बट जब गूगल क्रोम खोलते हैं तो उसमें नो इंटरनेट, दिस साइट कांट बी रीच, ऐसा कुछ आता है। तो उसका सोल्यूशन हमें कैसे करना है, देखिए। सबसे पहले जो एक्सटेंशन है हमारे पास, कोई भी एक्सटेंशन है, उसको हम डिलीट करेंगे, रिमूव करेंगे। वो किस प्रकार, सेटिंग में जाना है और नीचे दिया गया है एक्सटेंशंस, जैसे अडोब एक्रोबैट का था, इसको भी रिमूव कर देंगे। कोई गेमिंग का है, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, इसको भी हम एक बार रिमूव कर देते हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सके। इसको मैंने कर दिया कट। अब इसकी जो हिस्ट्री है उसको भी हम डिलीट करेंगे एक बार के लिए, क्योंकि मैंने एक पहले वीडियो डाली थी जिसमें अपने नेट के ऊपर इंटरनेट एक्सेस नहीं आता है। उस वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट आए कि भैया हमें समझ नहीं आई है। उस वीडियो का सोल्यूशन भी वही था कि आप अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस है तो उसको अनइंस्टॉल कर दें। फिलहाल इस वीडियो में हम हिस्ट्री क्लियर करेंगे। पहले हमने अब एक्सटेंशंस को हटाया है, फिर हम जो इसकी हिस्ट्री है वो बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ये बेसिक किया मैंने, बाकी इसके एडवांस में जाके जितनी भी हिस्ट्री है, पासवर्ड्स वगैरह, सारा कुछ हम अनइंस्टॉल करेंगे, सॉरी क्लियर करेंगे। डाटा जो है क्लियर कर दिया है, एक बार इसको कट कर दिया मैंने। फिर इसको दोबारा चलाने की कोशिश करते हैं। दोबारा चलाया, कोई भी खोलें, व्हाट्सएप खोलें या कोई भी गूगल की साइट खोलें, किसी प्रकार का यूट्यूब खोलें, देखिए दिस साइट कांट बी रीच या नो इंटरनेट, यही प्रॉब्लम हमें फिर आ रही है। फिर एक बार ट्राई करते हैं किसी और तरीके से। सॉल्यूशन मिल चुका है दोस्तों, वो हम आपको ट्राई करके बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक एक चीज़ आपको करनी है और चेक करना है। क्या पता आपकी किस मतलब स्टेप पे प्रॉब्लम हो, वो आपकी ठीक हो जाए। अब हम चलते हैं वाईफाई की सेटिंग में। प्रोटोकॉल नंबर 4 है, उसको हमें प्रॉपर्टी चेक करना है और इसको ऑटोमेटिकली पे सेट कर देना है, ओके कर देना है। इसको क्लोज कर देंगे, इसको कट करें ऊपर से, और गूगल क्रोम को भी एक बार कट कर दें। नीचे इंटरनेट एक्सेस है बट गूगल क्रोम में हमें इंटरनेट की एक्सेस है वो नहीं मिल रही है, नो इंटरनेट हमारे सामने आ रहा है। फिर और व्हाट्सएप खोलते हैं, जैसे मैं व्हाट्सएप ऑन करता हूँ तो भी नो इंटरनेट का ही मैसेज आ रहा है, दिस साइट कांट रीच या नो इंटरनेट, यही हमारे सामने खुल के आ रहा है, ये देखिए। चलिए कुछ सेटिंग्स और बाकी हैं वो भी कर लेते हैं ताकि जो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमें मिल सके। फिर से हम एक बार सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद पहले तो जो डाटा स्कैन करने के लिए हमने जीमेल चढ़ाई होती है, उस जीमेल को भी हमें एक बार ख़त्म करना है, बिल्कुल प्रॉपरली बंद कर देना है, और हिस्ट्री को एडवांस में जाके क्लियर कर देना है। जो हमारी हिस्ट्री है गूगल क्रोम की, पासवर्ड वगैरह जितना भी कुछ है उसको क्लियर करेंगे, वो भी हम एडवांस में जाके, ये देखिए एडवांस में चलते हैं। और पासवर्ड, ऑटो फोन डाटा, साइट की सेटिंग है, व्हाट्सएप डाटा है, सारा कुछ क्लियर करेंगे। और वो भी पीछे तक का, जब तक हम चलाते आ रहे हैं, ऑल टाइम का बिल्कुल क्लियर कर देंगे। वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें, आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन 100% मिलेगा दोस्तों। किसी एक स्टेप पे आपको ये प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। देखिए क्लियर डाटा हम कर चुके हैं बिल्कुल, बाकी जो हमारी आईडी रहती है उसको भी हम क्लियर कर देंगे, कुकीज हैं वो भी हम क्लियर कर चुके हैं,
ऑल कुकीज़ को पहले भी क्लियर कर चुके हैं, आप भी इसको अच्छे से क्लियर कर दें। देखिए इसको हम टर्न ऑफ कर देते हैं, इसेंज है, हमें कुछ भी एक बार के लिए नहीं रखना है गूगल क्रोम में, बिल्कुल सभी को क्लोज कर देना है प्रॉपरली। डाटा का जो ब्राउजिंग है उसको सारा क्लियर कर देना है, इसको रीसेट कर, ये सॉरी, इसको भी हम सेटिंग में जाके एडवांस में जाके देखेंगे। तो रीसेट एंड क्लीन अप है, गूगल क्रोम का रीसेट एंड क्लीन अप है, उसको हम बिल्कुल क्लीन अप कर देंगे, रीसेट कर देंगे। ये हार्मफुल सॉफ्टवेयर के लिए कि कोई फाइंड कर रहा है कि कोई हार्मफुल सॉफ्टवेयर तो नहीं है अपने पास जिसकी वजह से ये हमारा नो इंटरनेट का मैसेज आ रहा है, बट ऐसा कुछ इसमें नहीं है। बस इसकी सेटिंग्स को बिल्कुल क्लीन कर देना है, और जो कुछ मैंने वीडियो में दिखाया है वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप करते रहें, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। थोड़ी सी सेटिंग्स रहती हैं वो, और मैं करने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, हर दिन एक नई वीडियो आपके लिए आती रहेगी। अगर आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, वो वीडियो मैं आपके लिए बना के डाल दूंगा। देखिए मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया है, अब इसको हम कर देते हैं कट। बिल्कुल रीसेट सेटिंग हो चुकी है, अब इसको हमें कट कर देना है और अपने सिस्टम को हमें रीस्टार्ट करवाना है। सारा कुछ हमने कर लिया है, ये हमारा फायरफॉक्स खुला है, इसको हम रिस्टार्ट करवाते हैं एक बार के लिए। ये देखिए मैंने सिस्टम को रिस्टार्ट कर दिया है, हमारी विंडो स्टार्ट हो चुकी है। अब हम नेट ऑन करके और अपने गूगल क्रोम को ऑन करके देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स रहा, कि हमारा गूगल क्रोम चला या नहीं चला। दोस्तों डेफिनेटली ये चल चुका है, हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो कामयाब हो चुका है, हमने एक एक स्टेप फॉलो किया तो हमारा सॉल्यूशन भी हमें मिल चुका है। चलिए मैं एक बार यूट्यूब खोल के देखता हूँ। ये देखिए नेट बिल्कुल प्रॉपरली चल रहा है, तो हमारी प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन मिल चुका है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन आता है बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।